हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बर्जर पेंस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जबकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर ये चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेरा क्या, ये चैनल तो आपका ही है, आप जो मुझसे मांगोगे मैं वो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बर्जर पेंट कंपनी क्या काम करती है। देखिए, बर्जर पेंट कंपनी एक पेंटिंग कंपनी, ये तो आप सभी को पता है। जो घर के लिए अपन को जो कलर चाहिए होता है पेंटिंग के लिए, मतलब अपने घर को कलर करवाने के लिए जिस कलर की हमको ज़रूरत होती है वो ये बेचता है। तो एक मैन्युफैक्चर भी करता है उसको, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये मैन्युफैक्चर भी करता है। देखिए, पेंट्स, वार्निशेस, इनेमल्स और लैक्वर्स, मतलब जो भी वो, जैसे कोई ऑयल पेंटिंग होती है, मतलब ऑयल पेंट्स करवाते हैं लोग घर के लिए, मतलब जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो वैसे हर तरीके के ये पेंट को मैन्युफैक्चर करता है और फिर उसको बेचता भी है। अब चलिए, अब हम आगे चल के कंपनी के डेटा के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि तो वही एक मेन बात होती है जिसके ऊपर आपको देखना पड़ता है कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अब अगर आप कंपनी के सेक्टर, मतलब जो कंपनी की कंपिटिटिव कंपनीज हैं उसका अगर आप सेक्टर का पी देखेंगे, तो आप ये देखिए 28.10 इसका सेक्टर का पी निकल कर आता है, जबकि इसका पी रेशियो 113.24 का निकल कर आता है। लेकिन इसको आपको सेक्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना तो है कि ये शेयर अभी महंगा ज़रूर है, लेकिन ये शेयर आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा सेक्टर के मुकाबले। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शेयर अपने सेक्टर के बराबर आ जाएगा, ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा। भले आप आज के 5 साल बाद देखो या 10 साल बाद देखो, ऐसा ये कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं और ये शेयर पेंटिंग के अंदर आपको ये कभी भी सस्ते नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पेंट की न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, तो ये शेयर में एक अपवर्ड मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर्स है और इनका धंधा कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और इन्होंने अपना धंधे को कंसिस्टेंटली, इनका धंधा ग्रो भी कर रहा है, तो इसीलिए ये शेयर आपको कभी भी सस्ते नहीं मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। अब अगर आप सेक्टर का पीबी देखेंगे तो सेक्टर का पीबी कम है, लेकिन जो इसके सेक्टर का धंधा है एशियन पेंट के अलावा जो भी कंपनीज है, मतलब नैरोलैक हो गया, उसके अलावा एक और कोई कंपनी है, तो वो जो मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका वापिस मेन इतना कारोबार नहीं है, उनका धंधा भी नहीं है। तो इसीलिए ये आपको इसका जो पीबी रेशियो वो भी 27.93 टाइम्स पे ये आपको मिल रहा है। देखिए, इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए, इसमें कोई भी दोराय वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको इसके सेक्टर के मुकाबले सस्ता आपको ये शेयर कभी भी नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की बात करूं, तो देखिए ये ग्रोथ स्टॉक्स है, मतलब इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ये बहुत नी के बराबर डिविडेंड देते हैं, क्योंकि ये वापस रीइन्वेस्ट करते हैं, रीइन्वेस्ट करके अपने धंधे को ग्रो करते हैं, ना कि डिविडेंड देकर अपने धंधे को थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.28% का मिलता है, जबकि आप सेक्टर की कंपनीज का एवरेज निकाल कर देखेंगे तो 1.08% का डिविडेंड सेक्टर के अंदर मिलता है। अब देखिए, ये एक लार्जेस्ट कैप स्टॉक भी है। देखिए 73,759 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। जो एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कारोबार भी खासा ज़्यादा है, ये बात भी आप भूलिए मत। और मेन बात है इसका बीटा, आप इसका बीटा देखिए 0.66, मतलब अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो अगर बाजार 10% भी गिर जाता है तो ये 6-7% ही गिरेगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो एक रिस्क भी उसमें कम हो जाएगा अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखिए, 2017 में कंपनी का रेवेन्यू देखिए आप 4.66, मतलब 4,660 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था,
फिर उसके बाद कंपनी का पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। इसको आप टोटल इनकम भी बोल सकते हो, कंपनी की टॉप लाइन भी बोल सकते हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, इसका मतलब यही हो गया कि कंपनी का जो धंधा है वो हर साल बढ़ रहा है, और मेन बात हर बिजनेस के लिए यही एक मैटर करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये एक मार्केट लीडर है और ये रहेगा मार्केट लीडर। एशियन पेंट्स और बर्गर पेंट्स ने लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं, क्योंकि इसका जो धंधा है वो एकदम बढ़िया है। क्योंकि अगर आप देखना, हमेशा मतलब कभी भी कोई पेंट की कंपनी होती है तो वो ग्रो करती है। मतलब अगर कभी भी कोई भी पेंट कंपनी की न्यूज आएगी तो एशियन पेंट्स और बर्गर पेंट्स के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट होता है, बाकी शेयर ठंडे पड़े हुए होते। क्यों? क्योंकि इनका धंधा हर साल ग्रो करता है, और अगर पेंट की कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले मुनाफा एशियन पेंट्स और इसको ही होने वाला है। अब आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में नजर डालिए, 2017-18-19 में ये कांस्टेंट, मतलब नी के बराबर, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार आप देखिए, 0.65, मतलब 160 करोड़ का कंपनी का मुनाफा 2019 से 20 के कंपैरिजन में बढ़ गया। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग ये 50% निकल कर आता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.99% की होल्डिंग पड़ी हुई है, मतलब एक तरीके से 75%, मतलब टोटल जो कंपनी का स्टेक है उसका 3/4 हिस्सा कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है। क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो कंपनी वो एक मार्केट लीडर है और वो फ्यूचर में इनकी कंपनी में बहुत ग्रोथ है, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का 75% स्टेक अपने खुद के पास रख रखा है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग नी के बराबर है 0.95%, DII की होल्डिंग्स इसके अंदर 2.64% है, और FII ने भी इसके अंदर 11.37% का स्टेक खरीद रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर 10% की होल्डिंग पड़ी हुई उनके पास भी है। तो देखिए, मोटा मोटा मेन बात यह कि प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा है तो जरूर कंपनी में एक ग्रोथ उनको नज़र आ रही है, और मेन बात यह है कि वही कंपनी को चलाते हैं। अगर जो कंपनी को चला रहा है उसका इतना स्टेक है तो उनको पता है कि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, और हर साल जिस तरीके से उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो आगे आने वाले 5 साल में भी इस तरीके से ग्रो करेगा। अब आप कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट पर नज़र डालिए। देखिए, मार्च 2020 में कंपनी का, मतलब जनवरी से लेके मार्च 2020 वाले क्वार्टर के अंदर 1283 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो देखिए, इतनी बढ़िया कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई है। अब उसके बाद अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, वैसे ना मार्च एंड में लग गया था, तो अप्रैल से लेके जून तक लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 833 करोड़ ही निकल कर आया। लेकिन 833 करोड़ वो भी लॉकडाउन में, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई उसके बाद का रेवेन्यू देखिए आप, 1549 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है, और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो आप देखिए लगभग 250 करोड़ का ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिला है, और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 20% का ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में जनवरी वाले क्वार्टर से लेके इसमें देखने को मिला है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो सेल्स है, वो हर साल बढ़ती जा रही है। और अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो एज अ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। इसके बाद अब ये देखिए, मार्च 2020 में कंपनी ने 194 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ये देखिए आप। फिर उसके बाद लॉकडाउन होने के बावजूद कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो गए तो कंपनी ने सिर्फ 49 करोड़ का ही मुनाफा कमाया। लेकिन लॉकडाउन में जहां पे कि बहुत सारी कंपनी घाटा कर रही थी और इसने 49 करोड़ का मुनाफा किया, तो ये एक बहुत राहत वाली बात है। उसके बाद जो क्वार्टर टू, जो कि अपने जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है, उसके अंदर कंपनी को 192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जिसके पीछे जो कंपनी का जो कम प्रॉफिट होने का कारण है वो है कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए, 1282 करोड़ के कंपनी के टोटल एक्सपेंसिस थे। देखिए, अभी थोड़ा बहुत इनका एक्सपेंसिस ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कोविड की गाइडलाइंस है, मतलब उनको थोड़ा मास्क वगैरह पहनकर और जो पूरा जो कोविड का किट होता है वो सब पहनकर,
मतलब जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको कोविड किट देना, तो ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। तो उसके बावजूद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो कम निकल कर आया है। लेकिन आप ये देखिए, कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो हर साल ग्रो कर रहा है। अब आप कंपनी की आरओई देखिए, देखिए मेरा पैरामीटर है 20% इज माय बेस्ट, उससे ऊपर होता है तो मैं तो एक बार के लिए आंख बंद करके भी उसमें पैसा लगा देता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, 2018 में 20.14% का कंपनी का आरओई था, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जरूर गिरा। लेकिन देखिए उस वक्त क्या हुआ होगा कि कंपनी की इक्विटी बढ़ी होगी लेकिन मुनाफा ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। और मैंने आपको ये बताया भी था कि पिछले 3 साल तक कंपनी का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो थोड़ा कॉन्स्टेंट ही था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा बढ़ा। तो आप यहाँ पे ये देखिए 26.63% कंपनी का आरओई निकल कर आया, तो ये इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कंपनी के लिए। अब अगर आप कंपनी का आरओसी देखेंगे तो कंपनी का आरओसी देखिए आप 30 और ये भी 32.75%। देखिए वैसे मेरे पैरामीटर में मैं 20% का आरओसी एकदम परफेक्ट मान रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए आप 32% का आरओसी। अब आप बोलोगे कि आरओसी क्या होता है? अरे आरओसी मतलब कंपनी की पूरी कैपिटल के ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया है, और जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, मतलब उससे पहले की जो कंपनी की इनकम होती है उसको देखा जाता है। मतलब आप नेट प्रॉफिट में से कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है और जो टैक्स पेमेंट है उसको माइनस कर दोगे तो उसको अपन इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो कंपनी का आरओसी निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर कंपनी का आरओए भी एकदम बढ़िया है, 18-19 में तो ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 4% का ग्रोथ कंपनी के आरओए में देखने को मिला है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कंपनी का आरओए और अगर आरओई हर साल बढ़ रहा है तो ये सीधा संकेत है कि बिजनेस अपनी इक्विटी और एसेट के ऊपर बढ़िया रिटर्न कमा रहा है। अब आप कंपनी का डेट टू इक्विटी देखिए। अब आप बोल रहे थे ना कि ये शेयर महंगा है महंगा, इसके पीछे रीजन ही यही है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.08, ऑल्डो पहले भी इतना ही था अभी भी इतना ही है, लेकिन सिर्फ 0.08 कंपनी का डेट टू इक्विटी है। मतलब कंपनी एक तरीके से 90% ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि जब बिजनेस अगर काम कर रहा है जिसमें ग्रोथ है तो उसके बाद क्या होगा, कंपनी मुनाफा कमाएगी तो नी के बराबर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर जब वो नी के बराबर इंटरेस्ट पे करेगी तो क्या होगा, एट दी एंड ज़्यादा मुनाफा कंपनी के पास बचेगा, तो या तो वो शेयर होल्डर्स को देगी अपने डिविडेंड के फॉर्म में, या तो वो री इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करेगी। तो हर बिजनेस के लिए डेट कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट कम है और उसका ग्रोथ हर साल कंसिस्टेंट है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है बिजनेस के लिए। लेकिन ऑल्दो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा ऑल्दो कम हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना भी कम नहीं हुआ है, 28 times इज अ गुड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए बर्गर पेंट, जिसका कि शेयर का भाव है 778.50, मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई था वो था 769.20। देखिए ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये इसने आज ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। देखिए पिछले 5 साल में तो इसने पहले से ही 307.61% के रिटर्न दे दिए। अब 307 मतलब अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपए पिछले 5 साल पहले डाले हैं तो उसकी आज वैल्यू होती 4,60,000 रुपए। तो आप देखिए इसने 5 साल में ही एकदम, एक तरीके से देखा जाए तो ये मल्टीबैगर तो पिछले 5 साल का बन ही चुका है, लेकिन अभी भी ये हर साल ग्रो कर रहा है। लेकिन देखिए जैसे कि मार्केट अपना ओवर वैल्यूड पड़ा हुआ है, वैसे ये शेयर भी अपने ओवर वैल्यूएशन वाले प्राइस पर मिल रहा है। देखिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर इससे बेहतर अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप पेंटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे सस्ता अगर पीएम के मुकाबले देखा जाए तो एशियन पेंट्स मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप पेंटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एशियन पेंट्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन देखिए बर्गर पेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी
अभी के प्राइस लेवल के हिसाब से बर्गर पेंट से अच्छा अभी एशियन पेंट है। देखिए बर्गर पेंट को अगर आपको लेना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो 700 के प्राइस तक का आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट प्राइस है। अभी शेयर अपने ओवर वैल्यूएशन पर चल रहा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर लेना चाहते हैं तो इसके अभी रिजल्ट आने वाले, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले, तो मेरे ख्याल से बर्गर पेंट से रिजल्ट बढ़िया ही आएंगे। और इसमें मेरे को 100% श्योरिटी मेरे को भी लग रही है कि इसमें रिजल्ट बढ़िया आएंगे। तो इसमें आपको एक दो महीने के ना 850 के लेवल दिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस शेयर को ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसको 700 रुपये तक के लिए वेट करना पड़ेगा, उस पर इसका फर्स्ट बाय बनता है। फिर उसके बाद वहां से ये शेयर जितना भी गिरता है तो आप इस शेयर को ले सकते हैं। अब देखिए बर्गर पेंट का अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया ये शेयर जरूर है। क्यों? क्योंकि पेंटिंग का इसका काम है, ये एक मार्केट लीडर है एशियन पेंट के बाद। अगर मैं किसी की बात करूं तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो कभी भी आपको सस्ता नहीं मिलते, वो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके सेक्टर के अंदर एक लीडर है। और आप बताइए क्या लीडर को आप ज़्यादा, लीडर को एक ज़्यादा सैलरी मिलती है ना एज कम्पेयर टू उसके सबऑर्डिनेट से। तो वही यहाँ पर है, बर्गर पेंट को आपको महंगे रेटों पर खरीदना पड़ेगा। बाकी दूसरे शेयर इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे, मतलब उनका जो कारोबार है, उनका जो धंधा है वो इतना बढ़िया नहीं चल रहा है। यहाँ पर एशियन पेंट्स और बर्गर पेंट का धंधा एक कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बर्गर पेंट 700 रुपये पे इसका बाय बनता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको इस प्राइस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बर्गर पेंट इंडिया कंपनी का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो के अलावा, मतलब हमारे जो हमने जो शेयर का एनालिसिस किया है उसके अलावा अगर आपको कोई और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और अगर आपको, अगर मेरी एक बात ये भी सुन लीजिए कि आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये सुनकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये अपना पूरा फाइनल डिसीजन नहीं मानना है, आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या खुद एनालिसिस कीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। ओके, थैंक यू।